सो एमबीए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आउट हो चुका है। उसमें जनरल कैंडिडेट 41, SC 15, ST 8, OBC 28 एंड EWS 10 एंड अदर कोटास का जो है आपको शॉर्टलिस्ट हो चुका है, मतलब कहना फाइनल ऑफर लिस्ट हो चुका है। इसके लिए कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फीस है आपको 17,266 रुपया, मतलब 1 साल का, 2 साल का फीस है लगभग 35,000 एंड आपको हाईएस्ट पैकेज है 30 लाख एंड एवरेज एंड मीडियम पैकेज है आपको 15 लाख। ओके, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमबीए है, एमबीए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स का बात बोल रहा हूँ मैं, तो उसका रिजल्ट का बात बोल रहा हूँ, उसका लिस्ट आ चुका है, आप लोग जाकर इंटरनेट में देख सकते हो एंड जिसको ऑफर मिला है उसके पास ऑलरेडी चल गया ईमेल होके, एंड दिस इज द फर्स्ट लिस्ट एंड उसका लास्ट टाइम 16 गो लिस्ट निकला था, 16 गो लिस्ट निकल के ये वाला सीट फिलअप हुआ था। ओके, सो दिस इज द थिंग। तो जनरल का 41 सीट फिलअप करने के लिए आपको 16 गो सीट लिस्ट निकालना पड़ा, तब जाके लास्ट टाइम फिलअप हुआ था एंड अदर्स कैटेगरीज ऑल्सो, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन हो चुका है तो उसको ऑलरेडी ईमेल हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिजनेस इकोनॉमिक्स का बेस्ट ROI MBA, उसमें क्या जरूरत है, बेसिक क्राइटेरिया इज दैट कैट का परसेंटेज, 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, 12th में इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल होना चाहिए, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, आइदर इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, एंड आपको जो फोर थ्री फोर टाइप्स जो है आपको क्या है ना, जो आपको ग्रेजुएट जैसे कि उसको प्रेफरेंस दिया गया है, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट प्रेफरेंस नहीं है, BSc है आपको, BA ऑनर्स में जिसके इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसमें आप ग्रेजुएशन किए हो, उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट में जो आपको ग्रेजुएशन किए हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर दिया जाएगा, मतलब 2.5% आपको वेटेज है। एंड मैथमेटिक्स में अच्छा मार्क्स लाए हो क्लास 12 में, आइदर इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लाए हो क्लास 12 में, तो उसमें 2.5% एक्स्ट्रा आपको मार्क्स दे आया हो, इसका मतलब है वो कॉम्पोजिट स्कोर जब बनाया जाता है उसमें उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। सो दिस इज द थिंग एंड नो वर्क एक्स क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ग्रेजुएशन मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स एंड कैट परसेंटाइल का, मतलब जो स्केल स्कोर मिलेगा उसको आपको बिल्कुल आपको उसका एक तो परसेंटेज है, मतलब 70% है, तो उसमें उसको लेके कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस इज द थिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैं कई बार इसका वीडियो बोला हूँ, आज उसका फाइनल ऑफर लेटर आ चुका है, सो यू कैन सी। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, प्लेसमेंट प्रोसीड्योर इज वेरी गुड एंड 100% प्लेसमेंट विल बी देयर, साथ साथ FMS है, FMS के साथ साथ उनका भी होता है, जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स है, MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, HRD है, MBA, MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस है एंड MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स इस बार चालू हुआ। सो दिस इज द थिंग, तो प्लीज चेक योर नेम इन वेट लिस्ट, इफ यू हैव इन वेट लिस्ट योर नेम, सो वेट लिस्ट का भी बहुत बड़ा लिस्ट निकला, क्योंकि जितना आपको अप्लाई कर चुके हैं उसका वेट लिस्ट पूरा दिया है, तो ज़्यादा तो नहीं है मैं तो जितना देखा, तो फिर भी आप देख लो, आप अगर अप्लाई किए हो आपका नहीं आया है मेल, वेट लिस्ट में कितना नंबर है आपको दिखाई देगा अभी इंटरनेट में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में साइट में जाके आप देखो उसका, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द वन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरा चैनल में पूरा बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन ऐसा मिलता रहेगा। एंड वन सेकेंड, वॉट आई एम टेलिंग यू दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स नाउ इट इज ए वेरी गुड कोर्सेस, दोज हु आर वॉन्ट टू वर्क विथ इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड एज वेल एज द मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, दोज हु आर गोइंग टू एनालिस्ट, आपको एनालिस्ट बनना है कोई भी कंपनी का, तो इस कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड खास करके आप अगर नॉन इंजीनियर्स हो, अगर आपको फीमेल कैंडिडेट हो, उसके लिए ये वाला जो कोर्स है बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सो वन सेकेंड, इसका फीस है 17,266 रुपया टोटल फीस 1 साल का, एंड 2 साल का लगभग 35,000 होगा। एंड आपको प्लेसमेंट मैं फिर बोल रहा हूँ, मैक्सिमम प्लेसमेंट मतलब हाईएस्ट प्लेसमेंट है 35 लाख एंड एवरेज है 30 to 35, वेरी करता है उसका, एंड एवरेज है 15 लाख। ओके, तो बेस्ट ROI MBA है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, वन सेकंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस।